व्याख्यान था आज आपका? देखिए, व्याख्यान मोटापे और शुगर से संबंधित था कि ये डबल दीमक है, मैं दीमक बोलूँगा इसको, जो हमारे समाज को इनफैक्ट यूँ कहीं के दुनिया भर में लगी हुई है आजकल, और जब ये साथ साथ आती है तो बहुत खतरनाक है। समस्या ये है कि हम मोटापे को बीमारी नहीं मानते हैं, आम आदमी मोटापे को बीमारी नहीं मानता है, और इनफैक्ट अगर कुछ टाइम पहले की बात करें तो मोटा होना सेहत की निशानी और धनवान व्यक्ति की निशानी माना जाता था। ये बात पूरी तरह से गलत है। मोटापा एक, मैं बोलूँगा, खतरनाक बीमारी है। मोटापे से दिल की बीमारी होती है, मोटापा होने से शुगर हो सकता है, बीपी बढ़ता है, दिल का दौरा, लकवे जैसी शिकायतें सब मोटापे से आती हैं। मोटापा एक बीमारी है और इसको होने से रोकना चाहिए, किसी को है तो उसका इलाज होना चाहिए। ये आज का हमारा व्याख्यान है और इसी पर सारी कॉन्फ्रेंस हमारी आधारित है। तो सभी में है, ना सिर्फ महिलाओं और पुरुषों में, जो बहुत हमें चौंका देने वाली बात है और जो चिंताजनक विषय है वो ये है कि आजकल के बच्चों में भी बहुत मोटापा देखने को मिल रहा है। मैं एंडोक्रिनोलॉजी की डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते के अंदर अंदर, मैंने 3 ऐसे बच्चे देखे जिनकी उम्र 10 और 15 के बीच में थी, मोटापा था और साथ साथ उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़ पुराने टाइम में ये बोला जाता था कि 40 की उम्र के बाद आता है, ये कंटेम्प्रेरी टीचिंग है पुराने ज़माने की, हमारे टीचर्स हमको ऐसा पढ़ाया करते थे, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके सवाल पे अगर वापस आएँ कि मोटापा पुरुषों में होता है या महिलाओं में, मोटापा सबको अफेक्ट करता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे 10 साल, 15 साल, 12 साल ये इससे ग्रस्त हैं और उनको बहुत छोटी उम्र में शुगर हो जाती है आजकल। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि हमारे देश का आगे का फ्यूचर ये हमारे बच्चे हैं, और बच्चों को अगर इतनी कम उम्र में ये दिक्कतें हो जाएंगी, ये क्रोनिक डिजीज होती हैं, हो गई एक बार उम्र पर साथ रहती हैं, तो सोचिए पूरी ज़िंदगी कैसे उनकी निकलेगी दवाइयों के भरोसे, कॉम्प्लिकेशन के साथ। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए कुछ चीज़ें आज से लागू होनी चाहिए। क्या होता है कारण बच्चों में होने का? देखिए, कारण हम सब जानते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जंक फूड खाते हैं, कैलोरी डेंस फूड्स खाते हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ा बर्गर तो हम सब जानते हैं। मैं एक जंक फूड बताऊँगा जो हम सबके घरों में होता है और जिसको हम जंक फूड समझते नहीं, वो है बिस्किट, रस, नमकीन, ये भी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी जंक फूड है। इनको हमें जंक फूड के नज़रिए से देखना है। ये चीज़ें ज़्यादा खाने से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से, खेलने कूदने का टाइम ना उनको मिलता है, ना माँ बाप उनको बोलते हैं आमतौर पर खेलने जाने के लिए। बच्चों में कम से कम 1 से 2 घंटे विगरस प्लेफुल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए, कम से कम 1 से 2 घंटे, इसमें वो पसीने पसीने हो जाए, हाँफ जाए, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जंक फूड से दूर रखें उनको, कभी कभार चलेगा, ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। और स्क्रीन टाइम कम से कम 30 मिनट, 1 घंटा हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हम करेंगे, अपने बच्चों को ना सिर्फ हम अच्छा एक भविष्य दे सकते हैं, उनको उनकी शारीरिक और मानसिक उनकी जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रख सकते हैं। आज हम ई वुमेन कॉन्फ्रेंस में फाइबर, जो हमारे खाने में जो फाइबर होता है उसके क्या बेनिफिट्स है, उससे हम कैसे मेटाबॉलिक जो डिजीज होती है लाइक शुगर, प्रेशर, हार्ट की बीमारी, मोटापा, उससे हम कैसे डील करेंगे, कैसे फाइबर हमको इन बीमारियों से बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे या इनके प्रोग्रेशन से प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में, हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में, वो लोग का जो खाना पीना था वो प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा थी, वो लोग फाइबर इंटेक ज़्यादा लेते थे, तो इसलिए उस टाइम पर ये मेटाबॉलिक डिजीजेज कम होती थी। बट क्योंकि अभी अर्बनाइजेशन हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा मिलने लग गए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंटेक, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, और इन सब खाना में फाइबर इंटेक बहुत कम हो गया है। तो ये जो फाइबर इंटेक हम जो कम ले रहे हैं, उसकी वजह से ये जो मेटाबॉलिक डिजीजेज है, इनका इंसिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो रिकमेंडेशंस है, जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकमेंड करता है, वो ये कहता है कि हमको डाइटरी फाइबर डेली बेसिस पे 25 से 30 40 ग्राम तक डेली लेना चाहिए। अगर हम इतना फाइबर लेते हैं तो फाइबर के जो बेनिफिट्स हैं, जिस तरह फाइबर हमारी शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो हमारा सेटाइटी अचीव करने में हेल्प करता है, फाइबर की वजह से हमारे हॉर्मोन्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हमारा भूख कम लगती है, वेट रिडक्शन होता है, इवन देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये विभिन्न तरीके के हमको बेनिफिट्स मिलते हैं ज़्यादा फाइबर लेने से, और हम ज़्यादा अगर फाइबर लेंगे तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हम हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मोटापे की बीमारी को कम कर सकते हैं। देखिए, मोटापा एक बीमारी है, अगर वो बीमारी एक बार आ गई है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसको ट्रीट करने का। ये जो क्रैश डाइट होती है जिसमें बोला जाता है कि आप 10-15 दिन ये डाइट लीजिए, आपका इससे वेट कम हो जाएगा,
ये एक मिथ है। टेम्प्ररी आपका वेट लॉस जरूर होगा, बट अगर आप वो डाइट पैटर्न जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो वापस से वेट रीगेन हो जाता है। तो इसीलिए हमको मोटापे से लड़ना है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बोला कि आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं उसको आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली फॉलो करनी है। जब भी आप इसे स्टॉप करेंगे आपको वेट रीगेन हो जाएगा। तो डाइट कंट्रोल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, जिसमें कि बोला जाता है कि 30 से 45 मिनट की एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए और साथ ही साथ कुछ एनएरोबिक एक्टिविटी जैसे कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो होती है वो भी हमको करना चाहिए। तो ओवरऑल 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी का आपका शेड्यूल होना चाहिए। जब आप डाइट और एक्सरसाइज जब दोनों बैलेंस तरीके से करेंगे तभी आप मोटापे की बीमारी से आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज हम लोग यहाँ मोटापे के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है हमारे देश में। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके विषय में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो मोटापे के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में हमने आज चर्चा की और मैंने इसके बारे में बात की कि मोटापा क्यों होता है और मोटापा होने के कारण क्या क्या हैं। तो उसमें एक मुख्य कारण ये है कि लोग खाते ज़्यादा हैं और उसका खाने के बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं या उस खाने का जो इस्तेमाल करते हैं वो कम होता है। तो उस वजह से क्या देखा गया है कि ज़्यादा खाने से और कम एक्सरसाइज करने से और बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है। तो इस विषय में क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को ये समझाते हैं, हम अपने मरीजों को ये समझाते हैं कि अगर वो अपने खाने पीने में ध्यान दें और खाने का इंटेक कम रखें और सही खाएं और सही तरीके का खाना खाएं। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये भी बहुत मुख्य बात है कि सबसे सही तरीके का खाना खाना है। जैसे हमको खाने में ये देखना है कि हमको क्या क्या खाना चाहिए। तो खाने में हमको कुछ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स खाने होते हैं, जैसे 40 से 55% तक। उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो हमको नुकसान करेगा। और एक कंसेप्ट होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कि हमको फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि गेहूँ और ये सब खा सकते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कि हम उसको उस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो हमें जैसे कि 40 से 55% के बीच में ही खाना होता है। उसके अलावा प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वेजिटेरियन डाइट है तो दाल है और या स्प्राउट्स हैं, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं, और या अंडा है, ये सब जो नॉन वेज खाते हैं। तो प्रोटीन इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारी डाइट में 15% कम से कम होना चाहिए। फैट का इंटेक कम होना चाहिए, जीरो नहीं बोलते हैं हम लोग, प्लस ट्रांस फैट जो है वो जीरो होना चाहिए, जैसे हम जो तलते हैं खाने को वो नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की। अगर हम इस चीज़ों को कंट्रोल करें और मरीजों को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें और बताएं कि क्या क्या एक्सरसाइज किस मरीज के लिए सही है, उससे हम लोग मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, उन दवाइयों से भी मोटापा कम किया जा सकता है। बट उन दवाइयों में प्रॉब्लम यह है कि हर मरीज को वो दवाई नहीं दे सकते, अलग अलग तरह के मरीजों में अलग अलग तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं और उससे भी मोटापा कम करने में मदद मिल सकती है, बट हर मरीज को दवाई की जरूरत नहीं होती है। अगर हम खाने का परहेज और एक्सरसाइज और इस तरह से एनर्जी कंट्रोल करें और एनर्जी ज़्यादा ले ना और सही तरीके की एनर्जी लें और उस एनर्जी को स्पेंड करें तो मोटापे को बचा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैं पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर प्रमिला कालरा, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और मैं बैंगलोर से आई हूँ। मैं रामैया मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड की पे हूँ, हेड हूँ वहाँ पे, और मैं एंडोक्रिनोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। जी डॉक्टर साहब, आज क्या व्याख्यान है आपका? आज जैसे मोटापा और जो थायराइड और ये ग्रंथियाँ होती हैं जिनका आपस में क्या रोल है, जैसे मोटापा पहले इतना नहीं होता था अब ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली मैं मोटापा और एड्रिनल ग्रंथि जिसकी जो हार्मोन रिलीज करती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जो है एलोबरेट या व्याख्यान दूंगा। कुछ बता दें क्या कारण हो सकते हैं इसमें? देखो कारण ये होता है कि जिस तरह से कुछ तो मोटापा होने का एक ही रीज़न नहीं होता कि जितना हमने खाया वो खा के सारा शरीर में लग गया, इस तरह से नहीं होता है, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं इसमें और एड्रिनल की ग्रंथि है उसका भी इसमें एक रोल होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हार्मोन और मोटापा आपस में जुड़ा हुआ है और कैसे इसको हम डील कर सकते हैं, इससे कैसे हम आम पब्लिक को फायदा पहुंचा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस। थोड़ा सा कुछ बताइए कि आपकी कैसे हम आम लोगों को इससे फायदा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, एक तो हम खाना पीना तो एक चीज है ही, रेगुलर एक्सरसाइज या व्यायाम करके इस तरह से, और बेसिकली फास्ट फूड वगैरह उसको कम करके, क्योंकि उनमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक वगैरह की पैकिंग और ये सारी चीज़ें जिससे मोटापा बढ़ता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से मोटापे को तो कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।